हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। सो आज का व्लॉग जो शुरू हो रहा है वो ब्रेकफास्ट के साथ शुरू हो रहा है, और वो भी मैं बेड पे बैठ चुकी हूँ। बना लिया मैंने ब्रेकफास्ट, बट वो मैंने कैप्चर नहीं किया। आप देख सकते हो, ये है आज का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है पनीर की भुर्जी, प्लेन पराठे विद चाय। सो गाइस, हम नाश्ता करते हैं। हम नाश्ता करके फिर मिलते हैं आपको नहा धो के। पे मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड हुआ तो मैं जरूर दिखाऊंगी, नहीं तो घर जाके भी आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर के बाद। बने रहिए आप, स्टे ट्यून। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं पाव भाजी खाने के लिए, क्योंकि घर पे जाके डिनर बनाने का कोई मेरा मूड नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट है हम लोग। और डिनर आज मैं सोच रही हूँ खुद भी हम पाव भाजी खा लेंगे, और घर पे भी हम पाव भाजी ले जाएंगे। और देखो ये हमारी पाव भाजी है विद माय स्वीट हस्बैंड। सो हम साथ में ही पाव भाजी कर रहे हैं इंजॉय, फिर आपको घर पे जाके दिखाएंगे चाय, क्योंकि सिर्फ चाय पीने वाली हूँ मैं घर जाके। और ये बहुत फेमस है,
यहाँ पे कुमार पाव भाजी इन कृष्णा नगर। सो हम यहीं नियर बाय ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। सो हम जब भी पाव भाजी खाने का मन होता है तो हम यहीं पे ही आते हैं। हम सबको यही एडवाइस भी करते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आके ट्राई ज़रूर करो एक बार, क्योंकि जिसने यहाँ की पाव भाजी नहीं खाई उसने कहीं का कुछ भी नहीं खाया। ठीक है गाइस, तो अब हम करते हैं हमारी पाव भाजी एंजॉय, फिर मिलते हैं आपको पाव भाजी खाने के बाद। सो गाइस, हम घर पे आ चुके हैं और आप ये सोच रहे होगे मैंने कैप क्यों लगाई है, क्योंकि मैं ना ओरियो को छत पे लेके जा रही हूँ वॉक कराने के लिए, क्योंकि इसके पापा को टाइम नहीं है, वो बिजी है थोड़ा सा टीवी देखने में। अब मैं जाती हूँ ओरियो को छत पे लेके और हम घर पे आ चुके हैं। हमने पाव भाजी खा ली थी, मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में, और घर पे बच्चों के लिए मैं ले आई थी, बच्चे और मम्मी के लिए, और ओरियो के लिए भी ले आई थी, लेकिन ओरियो को पाव भाजी खाना पसंद नहीं है। ओरियो को अब जाना है, कहाँ जाना ओरियो, कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है? देखो ओरियो को जाना है वॉक पे, सो दैट्स व्हाई ओरियो हो रहा है इरिटेट। तो मैं उसको छत पे लेके जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर के बाद। गाइस देखो, इतनी रात को हम जला रहे हैं आग जो जलानी थी नहीं, बट बिना बात के जला के बैठ गए हैं रात के टाइम पे, और कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। सिर्फ मैंने ये कहा था कि चलो छत पे वॉक करके आते हैं, लेकिन वॉक की जगह लकड़ियां लेके बैठ गए और आग जला दी है, और बच्चे हैं हमारे नीचे है, और उनके पीछे से जला ली है आग, कि हाँ वो रोएंगे कल जब व्लॉग देखेंगे कि यार मम्मा आपने हमें बताया नहीं कि आप आग जला रहे हो हैं, और उनको स्कूल जाना है सुबह, और मुझे उठना है सुबह 5 बजे, और खुद आराम से मज़े से सोते रहते हैं। तो आग जलाइए, वो भी ऐसे देखो ये फट्टे खड़े कर दिए साइड में, मतलब सारे में आग लग जाएगी चारों तरफ, और इसको बुझाने में ही 1 घंटा लग जाएगा, ये नहीं दिख रहा इनको। और ओरियो को लाए थे वॉक कराने के लिए, सारी वॉक निकल गई यहीं पे। चलो कोई नहीं, वैसे ठंड इतनी है नहीं, आग जलाने के टाइम पर तो जलाई नहीं, और आग जला के बैठ गए हैं। चलो अब सेकते हैं थोड़ी देर, आग सेकते हैं, इन्जॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नीचे जाके। नहीं तो वो ऊपर ही मिलता हमारे पास ही, और अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette.